हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। भारतीय कार निर्माता कंपनी टाटा ने टियागो को 2016 की शुरुआत में लॉन्च किया था। ऑटोमोबाइल बाजार में ये सस्ती कार काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। टाटा की ये हैचबैक डीजल और पेट्रोल दोनों वेरिएंट्स में उपलब्ध है। जानकारी के अनुसार अब कंपनी ने यूके में सीनिक्स लो कार्बन व्हीकल शो में इस कार के इलेक्ट्रिक वेरिएंट का खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस कार का नाम टियागो ईवी है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी टाटा टियागो ईवी को भारत में जल्द लॉन्च कर सकती है। फीचर्स: कंपनी ने इस कार में 85 किलोवाट की मोटर लगाई है जो 200 Nm टॉर्क जनरेट करती है। टाटा ने इस कार को भी फ्रंट व्हील रखा है और इलेक्ट्रिक होने पर इस कार में कोई गियरबॉक्स नहीं दिया गया है। टाटा टियागो में लिथियम आयन बैटरी पैक लगाया है और इसे गर्म होने से बचाने के लिए टाटा ने खुद का कूलिंग सिस्टम लगाया है। इसके अलावा कंपनी ने यह दावा किया है कि टियागो ईवी महज 11 सेकंड में ही 0 सेकंड 100 किलोमीटर घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। इसके स्पोर्ट मोड में कार की टॉप स्पीड 135 किलोमीटर घंटा है और भारत में लॉन्च होने के बाद यह भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक कार बन जाएगी। बता दें कि टाटा टियागो ईवी का कुल वजन 1040 किलोग्राम है।